सब्सक्राइब करें हमारा चैनल न्यूज ब्रॉडकास्टिंग टीम, बेल बटन दबाएं और नोटिफिकेशंस पाएं। गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में 7 साल के मासूम प्रद्युम्न की हत्या करने वाले बस कंडक्टर ने अपना गुनाह कबूल लिया है। कंडक्टर अशोक का कहना है कि वह मासूम के साथ कुकर्म करना चाहता था, लेकिन जब प्रद्युम्न ने उसके हरकतों के विरोध में शोर मचाना शुरू कर दिया तो उसने घबरा कर चाकू से बच्चे का गला रेत दिया। पुलिस ने कल रात को ही अशोक को गिरफ्तार कर लिया था। 42 साल का अशोक घमरोज गांव का रहने वाला है। वह पिछले 8 महीनों से स्कूल में काम कर रहा था। अशोक के कबूलनामे से सारा स्कूल प्रशासन सकते में है। दरअसल अशोक ने शुक्रवार सुबह जब प्रद्युम्न को टॉयलेट में अकेला देखा तो उसने जबरन उसके साथ कुकर्म करने की कोशिश की। प्रद्युम्न ने जब शोर मचाया तो अशोक ने घबरा कर उसका गला काट दिया। कत्ल के बाद हथियार को अशोक ने टॉयलेट में ही धोया और वारदात को अंजाम देने के बाद चाकू को वहीं फेंक दिया। बस में ही पड़ा था काफी दिनों से, पुराना चाकू, उसको साफ करने के लिए आया था वहाँ बाथरूम में, घर ले जाऊंगा काम आ जाएगा। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और बच्चों की गवाही की मदद से कातिल को धर दबोचा। पुलिस का कहना है कि जरूरत पड़ने पर स्कूल के खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी। बच्चे के माता पिता का कहना है कि कंडक्टर अशोक के साथ साथ स्कूल प्रबंधन भी कसूरवार है। उन्होंने मैनेजमेंट के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की मांग की है ताकि कोई और मासूम इस तरह से शिकार न बने। सुयश, न्यूज ब्रॉडकास्टिंग टीम, दिल्ली।